हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे तुम ज्यादा परेशान मत हो, चलो चलो कोशिश करती हूँ मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाऊंगी, ठीक है। अच्छा फिकर ना करना, मैं जल्दी आ रही हूँ। देखिए बाजी, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, जब तक मेरी किताब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, सुन लीजिए आप। ओफो, तुम्हें तो बस अपनी किताब की पड़ी, हर वक्त किताब किताब किताब। दुनिया में और भी मसले हैं। अच्छा कैसे मसले, क्या हो गया? हैं और भी गम, जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, खाने की राहत के सिवा। अच्छा हुआ क्या बाजी? अरे भाई वही सास बहू का मसला, और क्या होगा। आजकल तो हालात उल्टे हो गए हैं, बेचारी सासों को दबके रहना पड़ता है और बहुएं जो हैं वो उनके ऊपर डंडा चलाती रहती हैं। अच्छा सच सच बताइए, क्या आप अपनी बहू को डराती थी कि बहू आपको डराती है? अरे भाई कैसी बातें ना करो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब संजीदगी की बात सुनो, वो ये है कि सास को बहू से नहीं डरना चाहिए और बहू को सास से नहीं डरना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और इंसानियत का रिश्ता और मोहब्बत का रिश्ते को आपस में कायम रखना चाहिए। अच्छा सुनिए, अब आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप लखनऊ कितने दिनों के लिए जा रही हैं? आए बस यही 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। चलिए ठीक है, 2-4 दिन के लिए जा रही है, लेकिन आपको एक वायदा करना पड़ेगा कि जब आप जाएंगी तो वहां से आप मिले 2 खूबसूरत लखनऊ काम के खूबसूरत रंग के जोड़े लेकर आएंगे। चलो ये मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे लिए धानी और उन्नाबी रंग का जोड़ा लेकर ही आऊं। चलिए परफेक्ट, तब आप जा सकती हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आज लखनऊ के खानों की रेसिपी सिखाने कौन आ रहा है? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, अरे वो मेरी दोस्त जो है ना फर्रुख जाफर, वो लखनऊ से आने वाली हैं अभी। अच्छा हाँ, तुम मिलके बहुत खुश होगी उनसे, और मैं उन्हें कम से कम 40 साल से जानती हूँ। उन्होंने क्या किसी फिल्म में भी काम किया है? हाँ हाँ वही शायद पिपली पिपली, क्या पिपली लाइव, हाँ। आमिर खान वाली, हाँ हाँ वही। हाय और कौन सा रोल किया था? आए वो ही बुढ़िया कमबख्त जो हर वक्त चरपाई पे लेटी हुई और कर रही है। हाय बाजी, she was so cute। आए वो ही है cute। इतनी पसंद आई थी वो। ये cute हुआ? पे पे पे। तो आप भी तो पे पे करती रहती हैं पूरे दिन। हाँ। आप भी तो cute हैं। अच्छा। अरे बाजी कहीं वो आ तो नहीं गई? आए हाँ शायद आ गई। अरे फर्रुख तुम अरे वाह कितने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, बैठो 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 बैठो। अरे मेरे ईद के चांद, इतने दिन कहाँ रही? अल्लाह सरवत कितने अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं। माशा अल्लाह चेहरा मोरा एकदम वैसे ही है। अरे भाई ये ईद का चांद आज मेरे इस गरीब खाने में कहाँ से निकल आया? अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझे किस मकसद के लिए तुमने बुलाया है? दिल में आया और बुला लिया, और तुमने बुलाया हम चले आए। अरे वाह अरे वाह, तुम बगैर मकसद के कोई काम नहीं करती, मतलब पर आओ। अच्छा मतलब तो बाद में बताएंगे, पहले तुम ये हमारी नवासी से मिलो। अच्छा खुश रहो, खुश रहो। ये हैं बानो। अच्छा और ये खानों की नई नई तरकीबों पर एक किताब लिख रही हैं। अच्छा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फर्रुख को भी बुला लूं,
تاکہ ان کی بھی بہترین بہترین ترکیبیں ان کی کتاب میں شامل ہو جائیں. تو اس لیے بھیا میرا تو مطلب تھا. اب تم جانتی ہو کہ دنیا میں بنا مطلب کے تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. چلو اس میں ملاقات بھی ہماری ملاقات بھی ہو گئی, بسری یادیں تازہ ہو گئی ہو گئی, اور پھر میری بچی کا کام بھی ہو جائے گا. یقیناً یقیناً, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کو فاروق نانی بلا سکتی ہوں؟ ارے بٹیا تم بالکل بلا سکتی, بڑے شوق سے مجھے نانی کو. فاروق نانی, میں نے آپ کی وہ فلم دیکھی ہے پیپلی لائیو, اس میں آپ اتنی بہترین تھی, مجھے پلیز ایک ڈائلگ سنائیے نا. ارے یہ بتاؤ کون سا ڈائلگ تم سننا چاہتی ہو؟ کوئی بھی. تو کب موقع ملا نا کہ تصویر آئی گئی بدھیا, دو جوتے لگا کے اکھن گھر سے باہر تو نکال, ہاتھ لگا کے کوئی دیکھے تو ہٹ کاٹ ڈال, چل ہٹ مرد مار نہیں تا کھٹیا پہ پڑی پڑی کام کی نکاج کی دشمن اناج کی, چل جا 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 بھٹکٹیا کا کانٹا. یا اللہ فاروق, تو ابھی تو اچھی خاصی تھی, یہ کیا ہو گیا تم کو؟ ارے تم نے نئی فلم دیکھی ہے؟ فلم کا ڈائلگ بول رہی تھی. ہائے اللہ, مجھے کیا معلوم, میں نے کہا پتہ نہیں فاروق کو کیا ہو گیا, تم سٹیا گئی ہو یہی سمجھ لو. اچھا اچھا فاروق نانی, ایک چیز بتائیے کہ آج آپ کون سی ریسیپی سکھائیں گی؟ بھائی دراصل مجھے میٹھا بہت پسند ہے. چلیے, تو میں سوچ رہی ہوں تمہاری کتاب کے لیے میں بھولی بسری یاد کو تازہ کروں, وہ ہے پینڈی. ارے واہ پینڈی باجی. ارے بیوی کیا مجھے پتا نہیں, تم تو میٹھے کو چیٹیوں کی طرح سے کھا جاتی تھی اور اپنا بھول گئی, مجھے یاد رکھا. تمہیں معلوم ہے کہ جب تم مائیوں بیٹھی ہوئی تھی تو تمہارے کمرے میں پینڈیوں کا اتنا بڑا تھال رکھا تھا, اب میں نے چپکے سے وہاں جا کے آدھا تھال چٹ کر لیا. آدھا تھال کوٹری میں گھس گئی تھی اور یہاں گھر میں ڈھونڈیا مچی ہوئی ہے کہ پینڈیاں کہاں گئی, کسی کو دی بھی نہیں گئی ابھی تک. اچھا تو چلو آج تم یہ پینڈیاں بنانے کی ترکیب سکھا رہی ہو؟ ہاں بھائی, میں بھولی بسری یادوں کو تازہ کرنے کے لیے, اور بٹیا کتاب میں آ جائے گی, اس سے جو لوگ نہیں جانتے ان کو ترکیب معلوم. اچھا لیکن فاروق نانی آپ مجھے بتائیے, اس سے پہلے کہ آپ ریسیپی شروع کریں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کھانا پکانا کب سے شروع کیا؟ ارے بیٹیا شروع کیا ہے, ہم نے ہر ایک گھر کا ماحول ہی یہی تھا جی, کسی نے بتایا تھوڑی یہ کرو ایسا کرو ویسا کرو, تو ماحول میں دیکھا سیکھا جی, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو بنیاد پڑی تھی اسی پر کھڑے رہے. باجی اگر آپ کی اجازت ہو اور فاروق نانی بھی اگر تیار ہوں تو پھر بالکل بالکل ہنڈیا کی طرف چلیں. ہاں بالکل بالکل چلیے آئیے. تو نانی میں یہاں بیٹھوں گی, میں سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہاں بیٹھ کے لکھوں گی, آپ مجھے ترکیب بتائیے. تو مونگ کی دال کا بیسن, مونگ کی دال کا بیسن, اس کو اگر تم ایک کلو لوگی تو ایک کلو برابر میں شکر, ٹھیک ہے, اور سوکھے میوے. لیکن یہ خیال رکھنا کہ میووں کو جب بھی بناؤ ایک رات پہلے اس کو پانی میں بھگو دو جی. اچھا اب سب سے پہلے تم گھی کو پتیلی میں ڈالو گی, ہاں میں تمہیں بنا کے دکھاؤں؟ جی پلیز بالکل. اچھا یہ ہے گھی ڈالا تم نے, ہاں یہ کتنا گھی ڈالا فاروق؟ جیسے کہ تم ایک کلو کا بنا رہی ہو تو اس میں 250 گرام گھی ضرور ہونا ضروری ہے. اچھا یہ تیل میں نہیں بن سکتی؟ نہیں بھیا دیسی گھی, تیل میں بنا رہی ہوں پینڈی, تیل بہت کھاتی ہو کیا تم؟ اچھا اب اس کے بعد تم نے اس میں یہ جو میوے ہیں ہے نا یہ سب ملا کے اس میں ڈال دو جی, یہ بادام وغیرہ جو کاٹ کے ڈالا ہے جی, چرونجی, کشمش لوگ ڈالتے ہیں, حسب خواہش جس کا جو جی چاہے جی, خشک میوے میں نے مطلب جی یہ ڈال دیا. اب تو یہ جب ہلکا ہلکا لال ہونا شروع ہو جائے تب اس میں تم یہ بیسن ڈال دو جی, بھنا ہوا.
और इसको जब तक बनाओगी नहीं जी, लिखने से नहीं काम चलेगा। नहीं नहीं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी जो तक और बना के आपको खिलाऊंगी। अरे वाह जियो खुश रहो। तो ये बेसन इसमें आप डाल दें बेटा, ये सब तुम लिखती जाओ जी, ताकि जी, तुम्हें याद रहे। जी ये डाल दिया और इसको चलाओ बराबर बहुत धीमी आंच में जी, और हल्का सा एक चुटकी ये जो है इसका इलायची का पाउडर वो डाल दो। अब ये ब्राउन हो गया है जी, और इसमें अब ये रखी हुई शक्कर जो है ये मिला दो। अच्छा भाई बानो जी, अब तुम्हारी पिंडियां तैयार हो गई, अब जरा हमारी मदद करो। अरे जरूर जाओ। चलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी। अच्छा बनाओ, बना के देखो। और लो क्योंकि सूखा है ना। अल्लाह तो वाकई गर्म है। और क्या, मैं तुम्हें ऐसे कह रही थी। बनाओ अब बनाओ। अरे वाह माशाल्लाह, हमारी बिटिया ने तो बना लिया, हाथ तो नहीं चला तुम्हारे। बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, रखो रखो रखो, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अब इसके ऊपर ये चांदी का वर्क जो है जी, इसको लगा देते हैं तो जरा सा अच्छा लगता है। तारीफ तो इस बिटिया की कितनी करते हैं, इसने सीख लिया। और इसने अपने हाथ की परवाह नहीं की कि जल रहा कि नहीं। अब बनाया ये तो है भाई, पकाने में तो हाथ जलते भी है वो तो। अच्छा जाओ पहले नानी का मुंह मीठा कराओ। नानी का मैं मुंह मीठा बाद में कराऊंगी, लेकिन नानी सबसे पहले जो भी आपने मुझे इंग्रेडिएंट्स बताए एक बार मैं वो रिपीट करूंगी। हाँ, बिल्कुल, आप बताएगा कुछ रह ना गया हो। रात भर भिगोए और कटे बादाम और चिरौंजी को 250 ग्राम असली घी में सुनहरा तलें। उसी में 1 किलो मूंग की दाल का बेसन डालकर हल्की आंच पर भूनें। 5 छोटी इलायची का पाउडर मिलाकर सुनहरा होने तक भूनें। 1 किलो शक्कर मिलाकर चलाएं जब तक शक्कर घुल ना जाए। आंच से उतारकर गर्म गर्म इस भुने बेसन में गोल लड्डू की शक्ल में पिंडियां बना लें। चांदी का वर्क सजावट के लिए लगा लें। अरे लिखो बिटिया और तुम्हारी किताब मशहूर हो, जिस मकसद से तुम लिख रही हो कामयाब हो। अब दूसरी तरकीब आप मुझे कौन सी बता रही हैं? दूसरी मैंने खिचड़े के बारे में। खिचड़ी नहीं, खिचड़ी का दादा खिचड़ा। अच्छा खिचड़ा। चलिए तो सुनो, इसमें 3 तरह के मसाले पड़ते हैं जी। पहले मैंने मसाले से शुरू किया है, हैं पिसा मसाला, इसमें ये लाल मिर्च, हल्दी और ये जीरा और धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, जैसे कलिया बनती है गोश्त की है ना, वही मसाला होता है। अच्छा, और ये मुकम्मल ग़िज़ा होती है खिचड़ी में। इसमें 7 तरह की दालें होती हैं, अरहर की दाल और धुली माश की दाल और छिलके की माश की दाल, और ये है चने की दाल, और ये है खड़ी मसूर, ये है खड़ा मूंग। ठीक है, तो ये दालें हो गई 7, और इसमें ये गेहूं की गूरी होती है जिसको दलिया पीस के बना ली गई है जी, और ये जौ की दलिया। अच्छा ठीक है, और ये चावल। तो इन एक चीज का ध्यान रखना जी कि खिचड़ा बनाने से पहले जैसे तुम सुबह को बनाओगी तो रात में ही ये 7 दालें जो हैं इनको पानी में भिगो दो, है ना। हाँ, जैसे ये ठीक है, ये है भीगी हुई, इसको भिगो दिया दालों को। ये देखो भुने मसाले, कच्चे भुने मसाले में ये है बड़ी इलायची, जीरा, लौंग, छोटी इलायची, और ये है काली मिर्च, और ये धनिया और जीरे की खुशबू जो है जी। अरे जब तुम भून के इसको बनाओगे तो बस वाह मजा आ जाएगा, मुंह में पानी आ गया अभी, बस अब इंतजार है मुझे। अच्छा अच्छा, ये एक चीज ये है कि ये दालचीनी जो है ना, ये जो गोश्त तुम डालो और खिचड़ा डालो गलने के लिए, इसको पहले डाल दो। ठीक है, भुना हुआ जो है ये, अब इसकी शक्ल ये निकल आएगी, ये पिसा हुआ भुना मसाला है। चलिए ठीक है, तो ये भुना हुआ मसाला हो गया हमारा, ये हो गया। अच्छा मानो जी, अब मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ खिचड़ा बनाने की जी। तेल मैंने पहले डाल दिया है,
अब इसमें प्याज गरम हो चुका है, अब इसमें तुम ये कटी हुई प्याज इसके बघार के लिए डालो। अरे साड़ी बचा के, साड़ी बचा। अरे भैया चुप रहो, देख रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रही है ना, इसलिए बोले जा रही है। अब खाने का इंतजार है, इनको जल्दी से पक्के और खाएं। क्या बात कही, दिल खुश कर दिया भाई। अरे क्या करें, तुम नहीं खुश होगी तो क्या, बैठे बैठे तुम्हें मिल जाता है अल्लाह ने तुमको। अच्छा फरोख्तानी, तो इसको प्याज को कितनी देर तक भूनना पड़ेगा? अरे ये जब लाल हो जाती है, ब्राउन जैसे कलिया बनाती है, जी 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 जी, बस वही चीज है। हाँ वैसे ही बस, ये तुमने प्याज का छौंका लगाया जी। अब इस तड़के में तुम मसाला डालो जी। अच्छा कैसे, इसमें आपने ये अदरक लिया हाँ, और ये धनिया डाला जी। अच्छा ये जीरा डाला जी, ये भुना जीरा है। हाँ हाँ, और ये हल्दी है जी। और सब हसब ख्वाहिश, कोई ज्यादा डालता है कोई कम डालता है, जैसा जिसकी मतलब पसंद हो वैसा करे। अब मिर्चा थोड़ा सा चटपटा रहता है तो अच्छा लगता है ना, तो ये मिर्चा डाला। ये सब एक में डाल के मिक्स कर लो, मसाले हो गए सब जी। अच्छा ये है लहसुन जी, और ये है पिसी हुई प्याज। ठीक है ठीक है, अब इसमें पानी डाल के तुम इसको मतलब पेस्ट से बना लो, पेस्ट से बना लो। हाँ देखो भैया मेरी प्याज ना जले। देखो शरबत का कैसा मुंह, एक टक देख रही है कैसे जल्दी से पके। भाई खुशबू इतनी आ रही है क्या करूं। अरे अभी कहाँ खुशबू आई, भी तो जब भुना मसाला पड़ेगा तब खुशबू सुनना, तो शायद तुम बेहोश हो जाओ। ओ, ओ, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे भाई वैसे फरोख्तानी, खिचड़ा बनने में तकरीबन कितना वक्त लगता है पूरा? भैया ये बड़ा झंझटी काम होता है, कम से कम एक घंटा तो लग ही जाता है। अच्छा एक घंटा, तो फिर मुझे लगता है कि इतनी मेहनत फिर हम घर पे क्यों करते हैं, हम बाजार से भी खरीद के खा सकते हैं। अरे बाजार में तुम्हें ये चीज जन्म सात जन्म नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, यहाँ हर चीज घर की, हर चीज। अच्छा तुम्हारी प्याज हो गई होगी देखो। अरे मेरी प्याज देख रही हूँ, आपने सारा मसाला डाल दिया। आप मसाला ये जो पेस्ट किया था ये सब मसाला इसमें डाल दिया जी। हाँ अब मसाला तुमने डाला इसमें जी, समझी, और इसको हल्के से पानी डाल के। सच बताओ हाँ, मैं बोल रही हूँ तो तुम कहीं ऐसा तो नहीं तुम डिस्टर्ब हो रही हो, मैं चली जाऊँ? नहीं नहीं भैया तुम बैठ जाओ, तुम बोलते रहो, तुम्हारे जैसे 10 बोलेंगे पर कोई असर नहीं, मैं अपना काम करूँ। बाजी वैसे आज हम लोगों ने टक्कर की मिली है, टक्कर की नहीं, बोलने की रोटी खाई है हम लोगों ने भाई। आखिर शागिरद किसकी है? अरे क्या कहने, ये उस्ताद है। अब आई मुझे खुशबू, ये उस्ताद है, बताइए जरा। इस समय हिल के पानी नहीं पीती सेवा खाने के, दूसरे की मेहनत को ये इस्तेमाल करती है, स्वार्थ कर देती है। भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह। अब तारीफ जितनी चाहो करो, मिलेगा वक्त पर ही तुम। ओहो देखिए खाने कितनी चट्टू है, यानी कि हमारे पेट के चूहे सब के सब भाग के बिलों में घुस जाएंगे तब खाने को मिलेगा। बिल में घुस जाए तुम्हारे कान में घुसे, अगर मिलेगा वक्त से जब पक जाएगा तब। तो फरुख रानी इसको कितनी देर तक भूनना पड़ता है? अरे बिटिया तुम यहाँ आ जाओ ना। अच्छा तुम लिखती भी लिख चुकी हो ना? जी जी काफी हद तक। अब आके देखो सर, अब गोश्त डालो। ऐसे ही डाल दूँ? हाँ ऐसे ही डालो, अब इसमें से पानी छूटेगा। हाँ अब इसको भूनो, हाथ चलता रहे लगने ना पाए। अब जल्दी करो बहुत भूख लगी। अरे भाई चुप रहो। अच्छा, ये औरत न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आप बाजी लेट ही जाइए, अब मैं तो बहुत थक गई। लेट जाओ तुम, वो इजाजत पूरी आराम से लेटो, मिलेगा तुम्हें जब पक जाएगा तब खाना चटखारे ले लेकर। आप पंखा जलिए, इसको भूनती रहो, लगने न पाए ध्यान ये रहे। मैं भूनू? अरे भूनो, तुम्हें आएगा जल्दी से।
अब जब ये भुन जाए जी, भुनने वाला है बस, तब ये दही डाल दो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा खिचड़े में दही भी डालते हैं? अरे ऐसा लगता है तुमने कभी खाया नहीं है जैसे। बिल्कुल खाया है मैंने, लेकिन कभी कभी शागिर्द से ऐसी बातें पूछनी चाहिए ताकि मालूम तो कि उसको सब कुछ पता है। किसको शागिर्द बना रही पहले ये बता, किसको बना और किसको? अरे बाप रे मियां, अपने मुंह मिठू बन रही हो। नानी अब डालू इसमें दही? देखिए हाँ दही डाल दो, ये पूरा का पूरा, पूरा डाल दो। 1 किलो में 250 ग्राम दही पड़ता है। चलो भाई ये खिचड़ा खाने के लिए मुझे तो लगता है कि अब लखनऊ आना पड़ेगा। क्यों, जब तुम्हारे कदमों में खुद ही हर चीज मौजूद रहती है तो तुम्हें हिलने की क्या जरूरत है? नहीं भाई ये तो तैयार नहीं होता। तुम मोटी हो गई हो। अरे बहुत खुश। खिचड़ा खा के थोड़ी हो गई मोटी? नहीं एक जगह से हिलना न डुलना, इस तख्त पे पड़े पड़े पांडान रखे बैठी रहती। अरे भाई मेरी तो वो हालत है, और हुक्का भी बकायदा चलता रहता है। अरे भाई फर्रुख मेरी तो वो हालत है कि गोशे में कफस के मुझे। अच्छा भैया तुम्हारे बकवास में मैं कुछ भूल ना जाऊं, चुप रहो। लो बेटे नमक डालो आप। जी बताइए। ये 2 चम्मच डाल दो भर के। हाँ भर के। ये चीनी डल रही है? ये चीनी है? चीनी पड़ती है खिचड़ी में? अरे भाई कितनी दफा कहा कि वाकई तुम सठी आ गई हो। मुझे इतना तो हक है कि मैं अपनी दोस्त से मजाक कर सकूं। तो दोस्त से कोई मजाक करता? मजाक क्या, मैं तुम्हारा देवर हूँ? तुम्हारे ससुराली कुनबे से कोई हूँ? तुम्हारी साली हूँ, सराज हूँ? काश आप मेरी सास होती। अल्लाह तुम्हारी ऐसी बहू किसी को न मिले। बताओ इतना मैं सुनाती हूँ उस पर तमन्ना है कि मैं इनकी सास होती। अच्छा चलो थोड़ी मेहनत करो। बताइए चलाती रहो बस। तेल भी ऑलमोस्ट इसमें निकल गया है। अब ये दाल डालो। दाल भी डल गई। डल गई ना, अब ये गूरी पहले डाल दो। पूरी की पूरी? पूरी डाल। ये क्या है? ये गेहूं है, वो पहले जौ डाला था। ठीक है। जौ देखा है ना? है? नहीं मालूम तो बनिया गया जाओ तो कहता है जाओ क्या है। हो गया? जी हो गया। अब ये चावल डाल दो पानी के समेत। हाँ पानी के समेत, पानी और पड़ेगा अभी। नमक डाल दिया ना? जी नमक डाल दिया। छोड़ दो मैं चला लूं। हाँ डालो इस पूरा डाल दो। हाँ पूरा डाल दो। अब इसको तुम बंद कर दो। मुझे तो खिचड़े पर एक शेर याद आ रहा है, सुनिए जी। ना तो देते हैं खिचड़ा ना इजाजत, या इलाही ये क्या कयामत है। अरे वाह वाह वाह, या इलाही ये माजरा क्या है। तो भाई जल्दी से पक जाए तो खाएं। अच्छा फारूक नानी खाने की बहुत बातें हो गई, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने पहली बार फिल्म कौन सी करी थी, कब करी? क्या बताऊं, रेडियो स्टेशन को मैं सात सलाम करती हूँ जी, जहाँ हम और ये जो है दुश्मन है जहाँ वहाँ मिले। 40 साल पहले की बात करती हूँ, तुम्हारी पैदाइश तो मैं अम्मा छोटी रही हूँ जी बिल्कुल। तो बहरा तो जो कुछ मैंने सीखा वहीं पर सीखा। अच्छा हमारी आदत थी कहीं खाने वाने पर जाओ, एक जगह हमारे दोस्त है सलमा, आज मेरी भाई जानती तो हाँ बिल्कुल अच्छी। तो सलमा के यहाँ खाना था, वहाँ पर सब लोग जमा थे, तो वो कह ले फर्रुख भी वो आपके यहाँ जो मुलाजिम था वो कैसे बोलता था? तो वो देहाती करेक्टर दिखाया गया, ठीक साफ दिल का जी, खरा जी, अल्लाह टरावा कर रहा था तो हर नई ना पी रहा था, पुरदिल 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 हरदम चीखा कर। तो बहरहाल वो एक किस्सा मैं सुना रही थी, मुजफ्फर अली बैठे हुए
जानते थे मुजफ्फर को, वो यहीं लखनऊ गए, तो उन्होंने जब सब चले गए कहते आप मेरी फिल्म में काम करेंगी, तो उस राख के ढेर से चिंगारी कुरेदी मुजफ्फर अली ने और शोला बनाया आमिर खान ने। वाह वाह वाह, बस ये है पूरी शुरुआत। अच्छा बानो जी, अब मैं इसमें छौंका लगा लेती हूँ प्याज का, है ये तो डाला तुमने तेल, और तुम ये ऐसा करो कि इसको कुक, हाँ पहले जला दो जरा बिटिया, जी जरा खुश रहो खुश रहो। अच्छा अब तुम इसको खुलो खोलो। अच्छा नानी एक काम करें, पहले मैं आपकी टेबल ये पूरी क्लियर करूं। अरे मैं तो भूल गई, पहले यही मैं तुमसे कहना चाह रही। अच्छा हाँ बिटिया, अल्लाह तुम्हारा भला करे, है इसको साफ कर दो यहाँ पर, मगर ये कच्चे मसाले इसमें पड़ेंगे, ये मत ले जाना, ये मैं नहीं ले जाऊंगी। हाँ, बाकी सब क्लियर, बाकी ये साफ कर दो। अरे भाई मैं भूल गई। तो अब आप भगार लगा रही हैं? हाँ भगार भैया, ये प्रेशर कुकर खोलो जरा। अच्छा अभी उठा रही हूँ, ठीक है नहीं हो गया, हो गया जी, खोलूं क्या? हाँ कुकर खोलो। ये बघार दिया तुमने है जी। अब ये जो हरा मसाला भी है जी, ये ऊपर से छिड़का जाता है। अब ये अदरक डाला तुमने, कटी हुई अदरक, कटी हुई अदरक, और अब धनिया, अब ऊपर से धनिया छिड़का। वाह 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 जी। अब इस पर नींबू निचोड़ते हैं। फरुख नानी मैं खिचड़े की तरकीब दोहरा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बताइएगा कुछ रह ना गया हो। 4 से 6 बड़े चमचे तेल कुकर में डालें, 1.5 प्याज कटी हुई तेल में डालकर तलें जब तक सुनहरी ना हो जाए। 1 कटोरी में पानी के साथ 1-1 बड़े चमचे पिसी अदरक, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पिसा लहसुन, पिसी प्याज को मिलाकर मुरक्कब बना लें। इस मसालों के मुरक्कब को कुकर में डालकर 2 या 3 मिनट तक भूने। 1 किलो गोश्त डालकर फिर भूने जब तक पानी सूख ना जाए। 250 ग्राम दही और नमक डालकर अच्छी तरह चलाएं। 1.5 कप रात भर भिगोई चना, उड़द, अरहर, साबुत मसूर, साबुत मूंग, धुली उड़द की दालों को गोश्त में डाल दें। 1 कप गेहूं का दलिया, 1 कप जौ का दलिया और 1 कप भीगे हुए चावलों को डालें। 1 लीटर पानी डालकर प्रेशर कुकर में आधा घंटा पकाएं। खिचड़े को अच्छी तरह घोट लें। 2 बड़े चमचे गरम तेल या घी में तली प्याज डालकर खिचड़े को भगार लें। 2 बड़े चमचे कटी हरी मिर्चे, 2 बड़े चमचे बारीक कटी अदरक और हरा धनिया मिला लें। नींबू का अर्क छिड़क कर पेश करें। अच्छा बानो जी, ले बिटिया में ये देखो, मैंने ये खिचड़ा है और ये पीनिया है जी, ये निकाल दिए, अब ले जाओ भैया, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। जरूर मैं ले जाती हूँ। एक आप काम करिए नानी, आप जाके बाजी के साथ बैठिए, मैं लेकर आती हूँ जल्दी। अच्छा मैं बैठती हूँ, आओ बे फरुख। नई कोशिश मेरी बायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका।